जी प्रेज द लॉर्ड। इस बच्चे का नाम विकास है और ये चंडीगढ़ से है। हाँ हाँ। इस बच्चे की गवाही है कि इस बच्चे को डेंगू हो गया था जिसके कारण इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था जी। और ये इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि ये कुछ खाता पीता नहीं था जी। और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारा बेटा बच नहीं पाएगा जी। और इसके शरीर में बहुत ज्यादा ही खून की कमी हो गई थी जिसके कारण ये आईसीयू में भी एडमिट हो गया जी। फिर इस बहन ने अपोस्टल विनोद प्रोचा मिनिस्ट्री के प्रे टावर पर लगातार प्रार्थना करवाई और प्रार्थना के तुरंत बाद ये बच्चा चंगा हो गया और आईसीयू से बाहर आ गया। आमीन। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है। मौत बीमारी कब्र का जादू टूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यीशु जी ने इन सभी को लूटा है। यहूदा का बंबर अगाड़ा अगाड़ा। यहूदा का बंबर अगाड़ा अगाड़ा। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। ये कितने समय तक आईसीयू में रहा? 6-7 दिन रहा था। 6-7 दिन। एक माँ के लिए एक बच्चा 1 घंटे भी अगर आईसीयू में रह जाए तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये 6-7 दिन आईसीयू में रहा। और आईसीयू में जाने का मतलब क्या होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, आखिरी समय। लेकिन फिर भी इन्होंने प्रार्थना करवाई और इस बच्चे ने जीवन पाया और यीशु मसीह ने इस बच्चे को आईसीयू से आजाद कर दिया। छुटकारा 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। आमीन आमीन। अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये बच्चा आप दोबारा बीमार हुआ? नहीं, दोबारा नहीं हुआ है। दोबारा नहीं हुआ। प्रेज लॉर्ड। होगा भी नहीं, पर आप लगातार आते रहना, अपनी जगह पकड़ते रहना, ठीक है? जिंदगी में देखना, ये कभी आईसीयू में नहीं जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम मनप्रीत कौर है और ये गुरदासपुर से आते हैं। इस बहन को 9 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी और ये बहन रोज डेली इंजेक्शन भी लगवाते थे और दवाई भी खाते थे और इन्होंने 2-3 लाख रुपए खर्च भी कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अपोस्टल विनोद प्रोचे जिनके इनके लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, प्रभु ये बीपी अब दोबारा ना आने पर, और तब से ये बहन बिल्कुल चंगी हो चुकी है। जिंदा लहू 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 जिंदा लहू। कौन सा लहू? जिंदा लहू। जिंदा लहू हमारा पैसा बचाता है, जिंदा लहू हमें चंगा करता है। हालेलुया। अभी कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या क्या हो गया था? मतलब कि बीपी लो हो जाता था तो दवाई लेनी ज्यादा पड़ती थी। आपने पाम संडे पे स्पेशल बीपी लो वालों के लिए प्रार्थना करी थी, उस दिन से लेकर अभी तक एक बार भी मैंने कोई दवाई। वाओ। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को मालूम है बीपी के लिए स्पेशल प्रेयर की गई थी? Yes. और कितने 35 मरीज चंगे हुए थे। हालेलुया। आमीन। बंधन है टूटे 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 टूटे। हाँ, बंधन है टूटे 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 टूटे। हाँ, बंधन है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। आ
आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक पाक आया रूहे पाक 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 रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक पाक रूहे पाक 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 जैसे पानी चाक चाक जैसे पानी चाक चाक आमेन God bless you, प्रभु आपको आशीष दे। Praise the Lord, Apostle जी। Praise the Lord। ये बहन हरजीत कौर हैं, जो बपरोल से आते हैं। इनकी गवाही ये है कि ये इनको 8 महीने से गुप्त बीमारी थी और इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी होता था और इन्होंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया पर इन्हें कोई आराम नहीं लगा। पर इनको एक बहन ने इस चर्च के बारे में बताया, विनोद प्रोचे एमनेस्टी के बारे में, और ये बहन एक दिन आए और इनके लिए अपोस्टल जी ने प्रार्थना की, सर पे हाथ रखे और ये बहन बिल्कुल आजाद हो गए गुप्त बीमारी से। सेना दा यहोवा जदु मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डर काला। सेना दा यहोवा जदु मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डर काला। ओ मेरा बल नाल मेरी ढाल है, ओ मेरा बल नाल मेरी ढाल है मैनू मेरे वैरियां तो डर काला। सेना दा यहोवा जदु मेरे नाल है मैनू मेरे वैरियां तो डर काला। Praise the Lord। क्या फील होता था आपको? बीमार रहते थे, दवाई बहुत लेते थे, असर नहीं होता था। किस किसने इस बहन को यहाँ पर कई बार गिरते हुए देखा तो आपको अब कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितना समय आपको यहाँ आते हुए हो गया? 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीने में कितनी बार आपके पेट में या बॉडी में दर्द हुआ, बीमारी हुई? पहले काफी बार होता था, अब धीरे धीरे ठीक हो गया। धीरे धीरे ठीक हो गया सब। हालेलुया। धीरे धीरे, ध्यान से सुनना, जितने लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं वो आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, एक दिन इनकी तरह खड़े होकर गवाही देंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की क्लिसिया। इस सिस्टर का नाम मीनू है और ये चंडीगढ़ से हैं। इनकी गवाही है कि ये बहन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अपने हस्बैंड से अलग हो गए थे जी। ये बहन 2 साल तक अकेले ही रहे और इन्होंने अकेले ही सब कुछ संभाला जी। और अपोस्टल जी, आप इन्होंने आपसे कॉल पे बात की जी और अपनी सारी प्रॉब्लम समस्या को बताया। हाँ हाँ। और आपने इनके लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद इनके हस्बैंड के पास वापस आ गए। अब ये दोनों मिलकर एक साथ रहते हैं। ये सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नो मनदा बागो बाग मैं हो जावा सदा यीशु दे गुण गावा बागो बाग मैं हो जावा सदा यीशु दे गुण गावा। खुद नु समझा खुश किस्मत नवे सिक्के वांगू टड़दा ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी होंदी है कि मैं यीशु मसीह नु मनदा ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी होंदी है कि मैं यीशु मसीह नु मनदा। लॉर्ड, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप देखना, मैं बता देता हूँ वो राज कौन है। ध्यान से सुनना कि इन्होंने कई महीने, ठीक कह रहा हूं, कई महीने अकेले व्यतीत किए और प्रॉब्लम बड़ी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इन्होंने प्रार्थना करवाई तो परमेश्वर बड़े बड़े मुद्दों का फैसला करने की ताकत रखता है। हालेलुया, बड़े बड़े मुद्दों को परमेश्वर सफलता में बदल देता है। और आज पति पत्नी दोनों और बच्चा भी खुश है। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप रोए भी थे कि हंसते रहे? रोती थी। क्या लगता था आपको? बट मुझे परमेश्वर पर विश्वास था, मैंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आपको विश्वास था कि परमेश्वर काम करेगा, मुझे वापस जरूर मेरा घर द्वारा से बसेगा। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। राज आज खुश है? ये आप लोग अलग रहे ना, वो गवाही दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है जी। अब सब ठीक है। आमेन, अब सब ठीक है। किसने ठीक किया? जीसस ने। आमेन, जीसस ने, यीशु मसीह ने। आमेन,
तो परमेश्वर के नाम की महिमा, मेरा पूरा विश्वास है ये हमेशा यूं ही बने रहेंगे और बहुत तेरे जोड़े इनके जीवन को देखकर जुड़ते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। हाय मेरी, प्रेज द लॉर्ड। ये भाई अमजीत पाल है जो पंजाब से आते हैं जी। इनको 2 महीने से जी पैर में गांठ थी। गांठ, गांठ, ठीक है। फिर ये वीरवार को चर्च आए जी। पोस्टर जी ने कहा हाँ। जिन जिन की गांठ है हाँ। वो अपनी गांठ को पकड़े जी। फिर इस भाई ने विश्वास से गांठ को पकड़ी जी और ये गांठ गायब हो गई। नगर परवा किसे करी, वो रखदा खबर हर पल दी। Amen. अमृतपाल को बेटा क्या हुआ था? पैर में गांठ थी। पैर में गांठ थी। जब अपोस्टल जी ने बोला अपनी अपनी गांठें पकड़ लो, तो क्या कहा अमृतपाल ने, क्या किया? विश्वास से गांठ को पकड़ी। Amen. विश्वास से गांठ को पकड़ लिया और जैसे दुआ की गांठ, गांठ गायब हो गई, गांठ गायब हो गई। कहाँ थी गांठ आपके? थी, एक गुप्त स्थान पे थी, एक यहाँ पे थी। ओके, इनके गांठ थी और जब इनके गांठ थी और इन्होंने पकड़ लिया उस गांठ को और वो गांठ गायब हो गई। दोनों जी, दोनों जी, दोनों जी। प्रेज लॉर्ड, ताली बजाए जोर से।